1, 2, 3, come on! नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस 2.6 जो कि प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर ये चैप्टर दिया हुआ है। तो इसके दो पार्ट मैं बनाया हूं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो पार्ट वन में क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन सिक्स तक पार्ट वन में है और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में क्वेश्चन सिक्स से क्वेश्चन टेन तक उस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन। अभी तक जिन लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और अदर्स के पास शेयर करिए, अदर स्टूडेंट के पास, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो और जो भी डाउट जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उनसे सॉल्यूशन सॉल्व किया जाए। चलिए स्टार्ट करते प्रैक्टिस 2.6 क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देकर रखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज 84। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट प्रगतिस एज बी एक्स ईयर। देखिए प्रगति का प्रेजेंट एज सपोज यहां पर एक्स ईयर है। आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन हर एज 2 years अगो मीन्स 2 साल पहले, तो यहां पर लिखना पड़ेगा हर एज 2 years अगो, 2 साल पहले इसका एज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आज हमारा एज यदि 10 साल है तो 2 साल पहले हम 8 साल के हैं, मीन्स 2 साल हमने माइनस किया। इसका मतलब अभी हमारा प्रेजेंट एज यदि एक्स है तो 2 साल पहले हमारा इसमें भी 2 माइनस हो जाएगा, मीन्स यहां पर x माइनस 2 ईयर्स होगा। ओके और नाउ इसी क्वेश्चन में अभी आगे कह रहा है कि 3 ईयर्स हेंस, अब 3 साल के बाद यदि बात करो, यदि आज हमारा एज 10 ईयर्स है तो 3 साल के बाद कितना होगा, 3 प्लस कर देंगे। तो सेम यहां पर भी हर एज 3 ईयर्स हेंस, तो यहां पर एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 साल पहले वाला 2 ईयर्स अगो एंड 3 ईयर्स हेंस कि जो वैल्यू आई है x माइनस 2x प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 24। मींस अकॉर्डिंग क्वेश्चन, देखा जाए तो यहां पर x माइनस 2 और x प्लस 3 इन दोनों का प्रोडक्ट मींस मल्टीपल इज द 84। दिस इज द इक्वेशन। अब इसे हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को पहले मल्टीपल करेंगे, x को मल्टीपल करना है x प्लस 3 से और माइनस 2 को मल्टीपल फिर से करना है x प्लस 3 में, इज इक्वल टू 84 आनी चाहिए। चलिए इसको x x x स्क्वायर प्लस 3x यहां पर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 84 इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3x माइनस 2x मीन्स x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 84। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1x को केवल x लिख सकते हैं और माइनस 6 इधर है, 84 इधर आ करते हैं यदि, तो माइनस 84 इज इक्वल टू 0 इसको सॉल्व किया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये पूरा का पूरा माइनस 90 होगा इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और फार्मूला मेथड से, तो आपकी मर्जी, चाहे आप जिस मेथड से आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो।
तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए इसको हम फार्मूला मेथड से हमें सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वी गेट ए इक्वल वन, बी इक्वल ऑल्सो वन एंड सी इक्वल माइनस 90, सी इक्वल माइनस 90। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आप पहले निकाल लो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर माइनस फोर मल्टीपल ए, ए इज द वन सॉरी मल्टीपल सी, सी इज द माइनस 90। यहां पर वन का स्क्वायर करेंगे वन, यहां माइनस माइनस यहां मल्टीपल होगा प्लस होगा, फोर वन जा फोर, फोर नाइनटीन जा 360 और इज इक्वल टू यहां पर 361 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू 361 यहां पर आ चुका है। ठीक है, नाउ आपके पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इज द एक्स, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो चलिए माइनस माइनस के प्लेस पर माइनस, बी इज द वन, वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू देखिए आपको यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑलरेडी यहां पर निकाला जा चुका है 361 अपॉन टू मल्टीपल ए, ए इज द वन। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 360, ये किसका स्क्वायर रूट है ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, इस ये आपका 90 क्योंकि यदि लर्न नहीं है आपको एग्जाम में इससे सॉल्व करना कर निकल लिखना चाहते हैं तो बहुत ही आपको लेट होगा, आपके पास उतने समय नहीं रहेंगे, तो कम से कम 30 तक आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों लर्न करके रखें। सो माइनस वन प्लस प्लस माइनस 19 अपॉन टू। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक्स के दो वैल्यू होते हैं, एक बार प्लस का यूज किया जाता है और एक बार माइनस का। तो देखिए इस नंबर में माइनस वन, एक बार यहां पर प्लस का यूज कर रहा हूं प्लस 19 अपॉन टू, और एक होगा माइनस वन और इसमें से माइनस यूज कर रहा हूं अपॉन टू, तो दो वैल्यू यहां पर निकालेंगे। तो देखिए माइनस वन प्लस 19 मीन्स यहां पर 18 अपॉन टू होगा, ये इसकी वैल्यू यहां पर 9 आ चुका है, और इधर देखते हैं तो माइनस 20 अपॉन टू मीन्स इसकी वैल्यू माइनस 10। तो देखिए यहां पर एक्स की दो वैल्यू आई है, एक्स इक्वल 9 एंड माइनस 10। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको फाइंड क्या करना था, प्रगति का जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, सो प्रगति का प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए यहां लिखना होगा एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव। अच्छा बताइए किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु का एज कभी नेगेटिव में होता है, नहीं, तो यहां पर नेगेटिव का आंसर यहां पर नहीं लिखेंगे, तो आंसर विल बी एक्स इक्वल 90। सो यहां पर देयरफॉर प्रगतिस एज इज एक्स मीन्स 9 इयर्स, तो ये आंसर होगा। ध्यान रखिएगा नेगेटिव का यूज नहीं करना है, नेगेटिव नंबर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर टू देकर रखा हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बारे में बताते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इज द 1 2 3 4 5 कंटिन्यू, यहां पर कंटिन्यू होगा, तो कंसेक्यूटिव नंबर इज द कंटिन्यू जो आने वाले नंबर होते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ये आपका नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव में हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे 2 का टेबल यदि ले लू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर ही है क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 2 2 जा 4, तो 2 डिफरेंट है, फिर 2 3 जा 6, देखिए 4 और 6 के बीच में फिर से 2 डिफरेंट है, तो जिसमें कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम हो दैट इज द कॉन्सिक्यूटिव। तो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर यहां पर आपको सपोज करना है, चलिए लेट
लेट द कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस टू। देखिये यहां पर मैंने दो सपोज किया है एक्स एंड एक्स प्लस टू। तो अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 244। देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कौन से दीज, दीज मीन्स यहां पर जो हमने दो सपोज किया है दिस इज द दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इस कॉन्सिक्यूटिव नंबर को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज दिखाया स्क्वायर ऑफ दीज कॉन्सिक्यूटिव मतलब उस कॉन्सिक्यूटिव नंबर को स्क्वायर करना है देन सम ऑफ ठीक है इज 244। देखिए तो स्क्वायर करते हैं मीन्स एक्स का स्क्वायर और यहां पर x प्लस टू का स्क्वायर और इन दोनों का सम सम ऑफ इज इक्वल टू 244। चलिए तो यहां पर इक्वेशन इस टाइप का बन चुका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार। तो x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर होगा और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटीज का। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 244। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर और प्लस फोर एक्स प्लस फोर यहां 244 के इधर करेंगे तो माइनस 244 इज इक्वल टू जीरो। सो टू एक्स स्क्वायर यहां पर प्लस फोर एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 240 इज इक्वल टू जीरो। देखिए और इस इक्वेशन में यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए डिवाइड बाय 2। देखिए आप डिवाइड नहीं भी करेंगे तो आंसर तो आएगा ही बट आप अपने आप में समझिए कि जिस प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन जो दिए होते हैं जो इक्वेशन है आप और भी इजी बना सकते हो या नहीं। यदि डिवाइड करके इजी बन रहा है तो क्यों ना हम डिवाइड करके इजी बना लें। तो देखिए इजी बनाते हैं। तो यहां पर डिवाइड यदि सब में डिवाइड कर दिया जाए तो यहां केवल एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यहां पर 2x बचेगा और माइनस 120 इज द जीरो। सो इस इक्वेशन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे ठीक है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग करते हैं कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पर a इक्वल 1 होगा इसका कोफिशियंट b इज द प्लस 2 एंड c इज द माइनस 120। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल a इज द 1 मल्टीपल c c इज द माइनस 120। 2 जा 4 माइनस और माइनस को मल्टीपल करेंगे यहां प्लस हो जाएगा और यहां पर 4 1 जा 4 4 120 जा 480 मीन्स यहां पर आ जाएगा 484। तो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ठीक है। इसको आपको यूज करना है फार्मूला में। फार्मूला क्या है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला है इस फार्मूला पर हमें पुट करना है तो फार्मूला पर पुट करते हैं माइनस बी बी इज द प्लस 2 प्लस माइनस इसके प्लेस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे 484 लिखेंगे अपॉन 2 मल्टीपल a इज द 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 484 ये 22 का स्क्वायर है तो आपको इसको तो लर्न करना पड़ेगा 2। अब देखिए यहां पर ये इस वैल्यू को आपको एक्स के दो पार्ट में डिवाइड करना है एक प्लस में एक माइनस में। सो माइनस 2 प्लस का यूज कर रहा हूं इस प्लस का यूज कर रहा हूं प्लस 22 अपॉन 2 और एक वैल्यू होगा एक्स इक्वल माइनस 2 और यहां पर माइनस
इसका यूज करेंगे माइनस 22 अपॉन 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 20 अपॉन 2 मीन्स 10, और यहां पर होगा माइनस 24 अपॉन 2 मीन्स माइनस 12। देखिए यहां पर आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर यहां पर नेगेटिव में नहीं होते, तो यहां पर इसका यूज हम नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे 10 का, ठीक है। सो यहां पर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन कौन से थे, x, तो x के वैल्यू यहां पर 10, एंड दूसरा था x प्लस 2 मीन्स 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये दिस इज द आंसर, ओके। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में एक खास बात ये रहती है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन घुमा फिरा के दिए होते हैं। इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रीड करें, समझने की कोशिश करें, उसको ब्रेक करें, उसके इक्वेशन को समझें, उसके बाद सॉल्व करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देकर रखा हुआ है। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, मिस्टर मधुसूदन का ऑरेंज गार्डन है, और देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, और टोटल 150 ऑरेंज ट्री उन्होंने प्लांट किया। द नंबर ऑफ द ट्री इन ईच रॉ, रॉ और कॉलम में देखा जाए तो ईच रॉ, प्रत्येक रॉ में 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, कॉलम से 5 ज्यादा है किसमें, रॉ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ द ट्री इन ईच रॉ एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, यहां पर देकर रखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको रॉ और कॉलम में कितने कितने प्लांट किए हुए हैं उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज करते हैं, लेट द नंबर ऑफ ट्री इन ईच कॉलम B X, ठीक है, हर एक कॉलम में सपोज X ट्री प्लांट किए गए, और रॉ में नंबर ऑफ ट्री इन रॉ में देखा जाए तो रॉ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि रॉ में कॉलम से 5 ज्यादा है, मींस यहां पर X प्लस 5 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्री इन रॉ 5 मोर देन, ठीक है, 5 मोर देन फ्रॉम कॉलम, कॉलम से 5 ज्यादा है, तो यहां पर 5 ज्यादा है, यहां पर इस प्रकार से ऐड किया। चलिए अब यहां पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन और देखा जा रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो टोटल ट्री है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्री वो है नंबर ऑफ रॉ, टोटल नंबर ऑफ रॉ जितने भी रॉ होंगे मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ द कॉलम और नंबर ऑफ द रो दोनों को मल्टीपल कर देने पर टोटल नंबर ऑफ द ट्री हमारा आता है। आप नॉर्मली इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए तो टोटल नंबर ऑफ द रो यदि देखा जाए यहां पर एक्स है, एक्स प्लस फाइव है और यहां पर एक्स है, नंबर ऑफ द कॉलम भी एक्स है, और इन दोनों को इन दोनों का जो प्रोडक्ट है टोटल नंबर ऑफ द ट्री इज द 150 इज द गिवन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर, और 5x इज इक्वल टू 150, इसको हम अरेंज करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में यहां पर आ चुका है। नाउ अब देखिए अभी तक हम दो क्वेश्चन हमने फार्मूला मेथड से किया, अब यहां पर यदि फार्मूला मेथड से भी इजी हो सकता है और यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, यहां पर ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो देखिए यहां पर 150 है, दो ऐसे नंबर यूज करना है कि 150 आए, तो यदि 15 और 10 से मल्टीपल कर दिया जाए 150 आएगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन यदि यहां पर माइनस 10 का यूज कर दिया जाए तो देखिए प्लस 15 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 5x, तो यहां पर आ सकता है, तो यहां पर इसका यूज हम करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहां पर कॉमन विल बी x और रिमेनिंग x प्लस 50, यहां अगेन वन सेकेंड माइनस 10 एंड x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर फिर से देखिए ये दोनों कॉमन होगा, ये दोनों कॉमन होंगे, सो x प्लस 15 और एक बच रहा है x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों को अलग अलग जीरो से कंपेयर करने पर x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर x इक्वल माइनस 15 होने वाला है और x इक्वल यहां पर प्लस 10 होगा। देखिए x की दो वैल्यू बहुत ही इजी तरीके से आ गया फार्मूला मेथड के अलावा, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजी है। तो देखिए यहां पर आपको रॉ एंड कॉलम, तो रॉ में कितने हैं, रॉ में x प्लस 5 है, तो x इज द, देखिए नेगेटिव का यूज नहीं करना है, याद रखना है प्लस 10 का यूज करना है, मीन्स 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 53। और कॉलम में कितने ट्री हैं, केवल x है, मीन्स 50। सॉरी कॉलम में यहां पर प्लस 10 का यूज किया गया, तो प्लस का यूज करेंगे 10। तो इस प्रकार से 10 ट्री यहां पर यूज किया गया है कॉलम में, और रॉ में 15 ट्री का प्लांटिंग किया गया। तो देखिए कितना इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देकर रखा है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर, विवेक बड़ा है किशोर से बाय 5 इयर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स ईयर, एक्स लेंगे, वाई भी ले सकते हैं, सो यहां पर मैंने एक्स ही यूज किया है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर, किशोर का सपोज प्रेजेंट एक्स एज आपका यहां पर एक्स दिया हुआ है, एक्स लिखा हूं मैं, तो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। विवेक का जो एज है 5 साल ज्यादा है, मीन्स विवेक्स एज विल बी अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक्स प्लस 5। ठीक है, यहां दोनों का एज समझ में आ रहा है। नाउ अब आगे क्वेश्चन देखा जाए, द सम ऑफ, देखें केस देकर रखा है, कंडीशन देकर रखा है, द सम ऑफ the sum of reciprocal of their age is 1/6। देखिए ये कंडीशन क्वेश्चन में देकर रखा है, कंडीशन क्वेश्चन में देकर रखा है क्या, द सम ऑफ reciprocal ऑफ देयर एज, यदि उनके एज का reciprocal कर दिया जाए, यदि उनके एज का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल करते हैं, तो x का रेसिप्रोकल 1/x होगा और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल x प्लस 5 रेसिप्रोकल होगा। अब इन दोनों का बोल रहा है कि सम, इन दोनों का जो सम होगा वो हो रहा है 1/6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। चलिए देखिए इसको आप डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स और या फिर क्रॉस मल्टीपल करके भी डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर होगा नीचे x प्लस 5 मल्टीपल कर दिया और यहां पर होगा x प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो
सकते हो यहाँ x और x 2x 2x प्लस 5 अपॉन यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर और x 5 प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीपल करके हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या होगा देखे, क्रॉस मल्टीपल करने पर होगा 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको सारे नंबर को अरेंज करते हैं सो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये 12x इधर जाएगा माइनस 12x प्लस 30 भी इधर आएगा और यहां इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x 12x माइनस 5x इधर माइनस 7x इधर माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बन चुका है। तो इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूं। देखो 30 यहां पर है तो 30 को 2 नंबर में डिवाइड करना है जो 30 आए और प्लस या माइनस करने पर और यहां पर 7 भी आए। तो यदि 10 थ्री जा की बात करूं 10 थ्री जा 30 और 10 माइनस 3 तो यहां पर 7 भी आ सकता है। ठीक है तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस करना पड़ेगा तभी आएगा माइनस 10 और प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 ये इक्वेशन है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और यहां पर कॉमन लेंगे इन दोनों में यहां पर कॉमन विल बी x तो बचेगा x माइनस 10 और यहां पर प्लस 3 बच रहा है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और आंसर विल बी x माइनस 10 कॉमन इन बोथ और यहां रिमेनिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ 0 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और एक बार फिर से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दोनों अलग अलग करेंगे और यहां पर x इक्वल माइनस 10 इधर जाएगा तो 10 एक वैल्यू आ चुकी है और x इक्वल प्लस 3 इधर जाएगा तो यहां पर माइनस 3 होगा। देखिए x की वैल्यू आ चुका है तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ द किशोर। प्रेजेंट एज ऑफ किशोर मीन्स x मीन्स यहां पर 10 का यूज करेंगे क्यों क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव का कभी भी एज नहीं होता। यहां पर लिख सकते हैं आप कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव सो माइनस 3 इज नॉट अ आंसर आंसर विल बी 10। तो यहां पर जो विवेक है विवेक एज x प्लस 5 मीन्स 10 प्लस 5 15 ईयर्स एंड 10 ईयर्स दिस इज द आंसर। तो देखिए इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देकर रखा हुआ है। सुयस एक स्टूडेंट है जिसने स्कोर किया है 10 मार्क्स सुयस स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट दैट इन द फर्स्ट 5 टाइम। देखिए पहले टेस्ट के 5 गुने से 5 टाइम से भी ज्यादा कितना ज्यादा 10 मार्क्स ज्यादा सुयस ने सेकेंड टेस्ट में स्कोर किया है। फर्स्ट टेस्ट में कितना किया है आई डोंट नो तो लेट द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। देखिए यहां पर पहले टेस्ट में उसने एक्स सपोज किया एक्स टेस्ट एक्स मार्क्स ही गेट। नाउ सेकेंड टेस्ट नाउ इन सेकेंड टेस्ट अब देखिए सेकेंड टेस्ट में क्या बोल रहा है कि 10 मोर देन इन द फर्स्ट 10 मोर देन इन द फर्स्ट 10 मोर देन इन द फर्स्ट मीन्स क्या x प्लस 10 ठीक है फर्स्ट टेस्ट में x मार्क्स और सेकेंड मार्क्स में सेकेंड टेस्ट में x प्लस 10 10 मार्क्स ज्यादा पाया। अब इन दोनों का जो कंपेयर किया गया अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिखा है
दैट इन द फर्स्ट फाइव टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। देखिए यहां पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो यहां पर फर्स्ट टेस्ट था, देखिए यहां पर फर्स्ट टेस्ट लिख रहा हूं, यहां पर यहां सेकेंड टेस्ट लिख रहा है कि फाइव टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, जो सेकेंड टेस्ट है उसका फाइव टाइम मीन सेकेंड टेस्ट इज द एक्स प्लस टेन इतने मार्क्स पाया है, इसका फाइव टाइम ठीक है इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर के इक्वल है मीन्स इसका स्क्वायर ठीक है, ये कंडीशन यहां पर देकर रखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल फाइव एक्स प्लस टेन फाइव जा 50 और इसको सॉल्व करेंगे इधर तो 5x प्लस 50 और ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। और देखिए यहां पर यदि मैं यहां से माइनस से डिवाइड कर दूं, इसे नेसेसरी नीड नहीं है, लेकिन यदि माइनस से डिवाइड कर दो तो यहां पर हम इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 50 हो सकता है यदि माइनस से डिवाइड इक्वेशन में कर दिया जाए तो। देखिए माइनस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे माइनस लिखना, माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। चलिए इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टेन सॉरी 50 इज इक्वल टू 0, यहां पर नंबर है 50 तो 50 को टू पार्ट्स में यदि डिवाइड किया जाए तो यहां पर माइनस टेन और 5 के यूज कर सकते हैं तो मल्टीपल करने पर 50 भी आएगा और माइनस 5 भी यहां पर इसमें आएगा तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये रफ है, यहां पर मैंने छोटा सा कर दिया हूं, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, यहां पर दोनों में कॉमन लेंगे कॉमन विल बी x माइनस 10, यहां पर कॉमन होगा 5, यहां होगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज द कॉमन ऑल्सो एंड यहां पर प्लस 5 होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको दोनों अलग अलग 0 से कंपेयर करने पर यहां पर होगा x माइनस टेन इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस टेन इधर जाएगा तो प्लस 10 और यहां पर x इक्वल प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5। देखिए कभी भी मार्क्स नेगेटिव में आपने नहीं पाया होगा तो यहां पर नेगेटिव में नहीं होगा, इसका मार्क्स हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो फर्स्ट टेस्ट मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट will be x means 10 marks ठीक है, और इन सेकेंड टेस्ट यदि सेकेंड टेस्ट की बात करें तो यहां x प्लस 10 ज्यादा पाया था means 10 प्लस 10 means 20 ठीक है। अब देखिए यहां पर स्क्वायर करके भी आप चेक करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर किया जाए तो 10 का स्क्वायर 10 जा 100 और इसका भी स्क्वायर और इसका भी मल्टीपल 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 25 जा 100, तो दोनों इक्वेशन में 100 आ सकते हैं ठीक है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देकर रखा हुआ है, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाने का एक छोटा सा बिजनेस उसने स्टार्ट किया। He makes certain number of pots on daily basis. डेली बेसिस पे एक सर्टन नंबर, एक लिमिट कुछ नंबर होंगे उसके, उतने नंबर वो डेली बेसिस पे उसने बनाया। तो व्हाट इज द सर्टन नंबर ऑफ द अर्दन पॉट डेली बेसिस पे देखा जाए तो सबसे पहले उसी को हम सपोज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेक्स इन पर डे बी एक्स,
सपोज एक्स पीस उसने पर डे बनाना शुरू किया। नाउ आगे क्वेश्चन, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इच पॉट इज रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ द पॉट। जो टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स है, टोटल नंबर ऑफ द पॉट्स का 10 टाइम्स और रुपीज 40 रुपया उसमें ऐड करें। जितना उसका टोटल नंबर है उसको सबसे पहले उसने क्या किया, 10 टाइम्स मल्टीपल कर दिया, 10 टाइम्स करके उसमें 40 रुपीज ऐड किया है। मींस देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट इज रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। जितने टोटल नंबर ऑफ द पॉट है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ द पॉट इज द एक्स, एक्स का 10 टाइम मीन्स 10x और 40 रुपया और ज्यादा मीन्स 40 रुपीज। इस प्रकार से मीन्स आप लिख सकते हैं 10x प्लस 40, दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ ही मेक्स इन वन डे, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज, देखिए यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच है, ये केवल एक एक का है, एक प्रोडक्शन का है, ठीक है, केवल एक का है। अब यहां पर देखेंगे इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, यदि सारे पॉट्स की बात करें एक दिन की, तो देखिए कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन की बात करें तो वो है इज रुपीज 600, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन उसका होता कितना है ये कंफर्म होना चाहिए। तो देखिए टोटल प्रोडक्शन, एक एक प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, एक का प्रोडक्शन कॉस्ट अभी यहां पर आया है, तो एक का प्रोडक्शन कॉस्ट है 10x प्लस 40, ठीक है, एक का प्रोडक्शन कॉस्ट इज द 10x प्लस 40। अब यहां पर बात किया है कि टोटल नंबर ऑफ जो दिन भर में उसने प्रोडक्शन किया, तो दिन भर में जो प्रोडक्शन किया पर डे वो टोटल कितना है, मीन्स एक्स है, तो यहां पर एक्स रूपी एक्स से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर में सपोज एक पेन का रेट 5 रुपीज है, तो 10 पेज का 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीपल करते हैं, तो यहां पर 1 का कॉस्ट यहां पर दिया हुआ है, तो टोटल नंबर का कॉस्ट निकालने के लिए हमें मल्टीपल करना पड़ा, तो टोटल नंबर व्हाट विल, यहां पर एक्स देकर रखा हुआ है, तो टोटल नंबर एक्स और एक का यहां पर दिया है, तो दोनों में मल्टीपल करेंगे, लेकिन हमें करना नहीं है, इसका आंसर यहां पर 600 दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो तैयार हो गया, अब इसे हम सॉल्व करना है। देखें तो यहां पर हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600, और ये होगा 10x स्क्वायर प्लस 40x, और ये इधर करते हैं तो -600 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो हो चुका है, बट यहां पर यदि डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड बाय 10, देखिए 10 से यदि डिवाइड कर दिया जाए इस इक्वेशन में, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 जा 4x माइनस 10 6 60 इज इक्वल टू 0। देखिए एक छोटा सा इक्वेशन नॉर्मल नंबर से आता, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसे यहां पर देखिए 60 है, तो 60 को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहां पर 10 6 जा, और यदि यहां प्लस और यह माइनस कर दें तो यहां प्लस 4 भी आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहां पर माइनस करेंगे तो यहां पर कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहां पर कॉमन लेने पर x प्लस 10 और यहां पर माइनस 6 यदि कॉमन लिया जाए तो यहां पर x प्लस 10 होगा इज इक्वल टू 0,
और एक चीज मैं बहुत पहले ही बता चुका था कि ये दोनों ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी एक्स प्लस टेन देखें तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये दोनों सेम होने चाहिए। और सेम देखें यहां पर भी सेम हो गया है, पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी सेम था। तो यहां पर एक्स प्लस टेन इज द कॉमन एंड एक्स माइनस सिक्स इज द सेकेंड इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर दोनों को जीरो से कंपेयर करते हैं तो एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो और यहां पर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल यहां पर माइनस टेन होगा और यहां पर एक्स इक्वल प्लस सिक्स। देखिये यहां पर दो वैल्यू आ गया। अब किसी भी प्रोडक्शन का वैल्यू माइनस में नहीं होता। सपोज आपने कितना प्रोडक्शन किया, चार प्रोडक्शन किया, पांच दस बीस पचास, तो यहां पर प्रोडक्शन माइनस में कोई नहीं बताता। सो यहां माइनस का आंसर नहीं होगा, यहां पर आंसर विल बी एक्स मीन्स प्लस का। ठीक है तो यहां पर देखें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट विल बी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, ए वन पॉट का प्रोडक्शन कितना होगा। तो वन पॉट का प्रोडक्शन देखिए यहां पर क्वेश्चन में यहां पर बनाकर रखा हुआ था, वन कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है 10x प्लस 40 है। 10x प्लस 40 मीन्स 10 मल्टीपल x, x इज द 6 प्लस 40, 10 सिक्स 60 प्लस 40 मीन्स रूपीज 100। एक का जो कॉस्ट है दैट इज 100 रूपीज, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना चाहिए अच्छे से, रीड करने के बाद आप उसको समझिए कि कहां से इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म करके आप सॉल्व